तो कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर सीएम मनोहर लाल ने बधाई दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की खेल नीति से खिलाड़ियों को लाभ हो रहा है, खिलाड़ियों को सरकार हर सुविधा दे रही है। सीएम मनोहर लाल से एक्सक्लूसिव बात की है हमारे ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा ने। कॉमनवेल्थ गेमों पर बात करने के लिए हमारे साथ है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी। मुख्यमंत्री जी, बेहतरीन रहा पूरे देश की बात करें, 29 मेडल अभी तक आ चुके हैं, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, बहुत अच्छा है देश भर का इस समय दुनिया के बाकी देशों के साथ अगर देखें टैली तो पांचवा स्थान इस बार मिला है और ये अच्छी हमारी उपलब्धि है। 29 मेडल अभी तक आ चुके हैं, अभी तो 2 दिन और शेष हैं, मुझे लगता है कि और भी मेडल आएंगे। और उसमें अच्छी बात यह है कि हमारे हरियाणा के लिए 9 गोल्ड मेडल में से 4 गोल्ड मेडल और हरियाणा के ही खिलाड़ियों ने लिए हैं और ये एक अच्छा हमारे लिए विषय है। हरियाणा की जो हमारी खेल की पॉलिसी है उसको बहुत लोग सराहते हैं और ये सब उसी की बदौलत है। कोई दो राय नहीं, 9 में से 4 गोल्ड हमारे हैं और हरियाणा से आए हैं। इसके साथ साथ खेलों की हम बात कर रहे थे, जैसे कि आपने कहा कि सराहना होती है, सराहना हो भी रही है और समय 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 इसके साथ पंजाब सरकार की तरफ से भी खेल मंत्री ने भी सराहना करी है कि हरियाणा की खेल नीति को लेकर उस पर विचार किया जाएगा। किस तरीके से देखते हैं नीतियां, चाहे वो आपके खेलों को पहले खिलाड़ियों को तैयार करने की 2.5 लाख रुपए पहले देने की तमाम जो योजनाएं रही थी उसको लेकर? देखिए, हमने पहले तो खेल के एक वातावरण को बनाया हुआ है। हमारा खिलाड़ी जो है प्रारंभ से ही नर्सरी से हम शुरू करते हैं ताकि कैच दम यंग की जो पॉलिसी है उसमें खेलों को आगे बढ़ाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा पर्याप्त है, ऐसे ही खेलों के इनाम जो हम देते हैं वो भी देश और दुनिया में जिसको कहना चाहिए सबसे ज्यादा इनाम हरियाणा के हैं। हम खेल जो खिलाड़ी मेडल लेके आता उसको उसकी नौकरी के लिए भी हम प्रबंध करते हैं और ये सारा एक वातावरण बना हुआ है जिसके कारण से हरियाणा जो है खेलों में सबसे आगे है। सब प्रदेश हरियाणा की तरफ देखते हैं कि इस प्रकार की पॉलिसी इनकी बनाई जाए और मुझे लगता है कि सब लोग खेलों को प्रोत्साहन देंगे तो हमारा देश दुनिया में बहुत आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल, सभी अगर इसको कहने के प्रोत्साहन देंगे तभी आगे बढ़ेगा और क्योंकि कहना कि खेल नीति है जिसको लेकर सराहना भी की जा रही है और यही कारण है कि 9 में से 4 गोल्ड प्रदेश ने हरियाणा ने इस देश को दिलवाए हैं। दिल्ली से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज।